निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास का भव्य निष्ठापन कार्यक्रम ललितपुर में सम्पन्न हुआ। बड़ी संख्या में गुरु भक्त परिवारों ने सहभागिता की। सिविल लाइन में प्राचीन श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर प्रदेश का सबसे बड़ा जैन तीर्थ माना जाता है, जहां इस वर्ष चातुर्मास का भव्य निष्ठापन कार्यक्रम ललितपुर मंदिर में संपन्न हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में हम जो भी कार्य करते हैं अपने आप में अलौकिक और ललितपुर वाले तन मन धन से पूर्ण समर्पित होकर के गुरुदेव की चरण सन्निधि में काम करते हैं। इस श्रावक संस्कार शिविर में दो रिकॉर्ड बने हैं, छोटे मोटे रिकॉर्ड नहीं, ललितपुर रिकॉर्ड नहीं, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया दो रिकॉर्ड बने हैं। इस वर्ष मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का एक अभूतपूर्व चातुर्मास हुआ है, जो एक विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। कमेटी से जुड़े एक पदाधिकारी ने कार्यक्रम को लेकर बताया। चातुर्मास का भव्य निष्ठापन समारोह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। चातुर्मास में जो प्रथम कलश हमारे बड़े भाई साथी प्रबंधक श्री राजन जी थनवाड़ा ने लिया, मैं उनके प्रति भी अपना कृतज्ञ नमन करता हूं। साथ ही दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के अध्यक्ष अनिल जी अंचल ने जो प्रथम कलश लिया उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जाने अनजाने में हम लोगों से दोनों प्रबंधक द्वय से, चूँकि हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है प्रबंधक होने के नाते, कहीं भी पूरे चतुर्मास के दौरान कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में भूल हुई हो, तो हम संपूर्ण भारतवर्ष के व्यक्तियों से चातुर्मास में आने जाने वालों से हृदय से दोनों प्रबंधक द्वय क्षमा प्रार्थी हैं। मुनिश्री ने भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि प्रातःकाल उठने पर खुद को नई ऊर्जा के साथ कैसे तैयार करना है। हर दिन सुबह उठे तो ऐसा लगे कि आज हमारी रात में हम सुबह जिंदा हुए हैं, सुबह हम उठे हैं तो कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। एक धर्मात्मा का एक क्षण अनमोल होता है, एक धर्मात्मा का एक समय अनंत आनंददायी होता है। उसको एहसास होता है कि आज सुबह मैं उठ गया, मेरे से जरूर कोई महान कार्य होने वाला है, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। यदि मैं पुण्यहीन होता तो रात में मैं जीवित नहीं रहता, आज मैं सुबह उठ गया हूँ, मैं जीवित हूँ, जरूर मेरी जिंदगी का आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा विचार करके वो दिन का प्रातःकाल निकालना चाहिए। रोते हुए नहीं उठना, हंसते हुए उठना, अवभाग्य मान के उठना, अपने जीवन को जीना कि मैं जिंदा उठ गया हूँ। यहाँ उपस्थित भक्तों ने गुरुवाणी का रसपान कर स्वयं को धन्य किया। जैन फोकस के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।